شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من الهدى والقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رمضان مبارك كورونا فيروس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کے موسم میں آ رہا ہے. ایسے موقع پر रमज़ान के ताल्लुक से और तरावी के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी अहकाम और मसाइल का जानना ज़रूरी है सबसे पहली बात ये है कि आजकल मीडिया में ये मसला उठाया जा रहा है कि रोज़े की वजह से आदमी की इम्यूनिटी पवर क़वत दफा कमज़ोर हो सकती है और उसकी वजह से इंसान के जिस्म पर उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है और रोज़ा रखने से हो सकता है कि नाऊज़मिल्ला इस वायरस का हमला रोज़ेदार पर हो जाए इसकी वजह से बाज़ लोग ये ग़लत फ़हमी फैला रहे हैं कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए या बाज़ लोगों ने यह कहा है कि रोज़ा रखना ख़ुदकुशी करने के बराबर है और ये कहा गया कि इस मिर्ज से बचने के लिए आदमी को अपने हलक को भिगो कर रखने की ज़रूरत है और अगर आदमी का हलक सूखा रहा और उसके मुंह में पानी नहीं रहा तर नहीं रहा उसका मुंह और उसका हलक तो इसकी वजह से कोरोना वायरस नवाज़ बिल्ला लगने का ज़्यादा अंदेशा है और इसकी वजह से जान का ख़तरा है तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात ये है कि ये बात तबी लिहाज से हरगेज़ ये साबित नहीं हुई है कि हलक के सूखा रहने से ये बीमारी लगने का इम्कान ज़्यादा है ये बीमारी लग सकती है और उसकी वजह से जान का ख़तरा हो सकता है ये हरगिश तबी लिहाज से साबित नहीं है बल्कि अब तक आलमी इदा, इदारा जो सेहत का अदारा है उससे भी ये बात अब तक साबित नहीं हुई है कि हलक के सूखे रहने से हलक का तर ना रहने से आदमी इस बीमारी पे मुबला होने का ख़तरा है हरगिज इसका सबूत नहीं हुआ है लिहाजा जब तक ये साबित ना हो जाए उस वक्त तक रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं बल्कि इन तमाम शैतानी वसवास और ख़तरात की वजह से व गलत वसवसों की वजह से इंसान रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों को ना छोड़े हाँ अगर कोई शख्स वाक़ी बीमार है और डॉक्टर उसको वसीयत करता है उसको ताकीद करता है कि वो सेहत का ख़्याल रखे और उसके ज़बान को उसके हलक को तर रखे और रोज़ा रखना उसके लिए नुकसानदेह है रोज़े की वजह से उसकी बीमारी में इजाफ़ा हो सकता है या बीमारी लग सकती है या उसकी जान का ख़तरा है अगर कोई अमानतदार दीनदार डॉक्टर अगर कोई ऐसा मशवरा दे रहा है तो बेशक ऐसे आदमी को या ऐसे मरीज़ को ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के कौल पर अमल करे और रोज़ा ना रखे ताकि उसकी सेहत मुतासर ना हो जाए बल्कि वो रोज़ा इन सेहत और तंदुरुस्ती होने के बाद और पूरी तरीके से शफायाब होने के बाद वो जो है रोज़ा रखेगा रोज़ा कज़ा करेगा जैसा कि कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसों में इसका ज़िक्र आया है यहाँ एक बात ये भी है कि रोजे रखते हुए आदमी हलक में अंदर अपने पानी पिए बग़ैर अपने मुँह को तर रखने के लिए कुल्ली कर सकता है रोज़े की हालत में कोई अरज नहीं हम वजू की हालत में कुल्ली करते हैं और मुंह में पानी डालते हैं लेकिन एक ये कुल्ली जो है उसमें मुबालगा ना हो कि पानी जाने का ख़तरा ना पैदा हो जाए नहीं ऐसा नहीं जैसा कि हदीसों में आया है कि रोज़े की हालत में गरगरा यहाँ तक करना कि जिसकी वजह से पानी जो है पेट में चला जाए ये नहीं करना चाहिए गरगरे में मुबालगा नहीं करना चाहिए बल्कि मुंह में पानी डालकर उसको अगर हरकत देते हैं तो कुल्ली करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं और पूरी आलम दुनिया आलम इस्लाम के कराम मिस्र के बड़े बड़े इक्राम जामत अजहर के क्राम सऊदी अरब के क्राम और बड़े बड़े इक्राम ने यही फतवा दिया है कि मुसलमान के लिए बगैर किसी उज्र के रमज़ान के रोज़ों का नागा करना बगैर किसी उज़्र के रमजान के रोज़ों को छोड़ना जायज़ नहीं है क्योंकि तबी लिहाज से हरगज इसका सबूत नहीं है कि रोज़े की वजह से इंसान का इम्यूनिटी पावर उसका क़वत दिफा कमज़ोर पड़ जाता है अब तक जो है साइंस के तबी लिहाज से इसका कोई सबूत नहीं है बल्कि डॉक्टरों ने कहा है कि रोज़े की वजह से बल्कि डॉक्टरों ने कहा है कि रोज़े की वजह से आदमी का क़वत दिफा बढ़ता है और उसके अंदर जो जहरीली मादा जो होता है उसके जिस्म में वो कम हो जाता है और ये इम्यूनिटी पावर अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है एक नेमत है और इस नेमत की बुनियाद पर इंसान जो है आसानी से उसका रोज़ा रख लेता है तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि रोज़ा इन चीज़ों की वजह से इन अफवाहों की वजह से इन गलत फतवों की वजह से रोज़ा ना छोड़ें बल्कि अगर आपको डॉक्टर ये ताकीद कर रहा है आपको ख़ास तौर पर कि आप रोज़ा रखेंगे तो आपके लिए ख़तरा है आपकी बीमारी बढ़ सकती है तो आप रोज़ा ना रखें इंशाल्लाह सेहतयाब होने के बाद तंदुरुस्त होने के बाद बाद में आप खजा कर लें इसी तरीके से जैसा कि आपको मालूम है कि लगने वाली बीमारी है और लगती है अल्लाह ताला के हुकम से ही तो ऐसी सूरत में हम ऐसे असबाब इसबाब इख्तियारा करें कि जिसकी वजह से बीमारी लगने का खतरा हो जाए क्या मतलब इज्तमाही तौर पर सहरी करना इज्तमाही तौर पर सब जमात की शक्ल में बैठकर कर करना सारे रिश्तेदार सब जमा हो जाकर तीन चार घरों के एक साथ बैठ कर इफ्तार करना नहीं ये मुनासिब नहीं है या नमाज पढ़ना अपने अपने घर में नमाज पढ़ें सारी नमाजें फ़र्ज नमाजें भी तरावी की नमाज भी सब मिलकर एक जगह नमाज ना पढ़ें क्योंकि इसकी वजह से बीमारी फैलने का खतरा है जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैसे लोग नमजबिल्ला मर रहे हैं और डॉक्टर जो इन... बुरे एहतियात करने के बावजूद अपने हिफाजती इंतजाम करने के बावजूद एक एक ने दो दो ड्रेस और मास्क और ग्लोव वगैरह पहनने के बावजूद कई डॉक्टर सबहान अल्लाह ये इसमें वफात पा गए हैं ऐसी सूरत में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को बचाएं जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है और अपने आप को खतरे में डालना यह नाउज़ बिल्ला ख़ुदकुशी करने के बराबर है जो इस्लाम में हराम है किसी भी तरीके से जायज़ नहीं बग़ैर जरूरत के घर के बाहर ना निकलें पाखी सफाई का पूरा ख्याल रखें इबादत अजकार नवाफिल कुरान करीम की तिलावत नेक अमल सदक़ा और खैरात में मसरूफ रहें जैसा कि आपको इससे पहले इसकी आदत रही है रमजान बुलाप पहले रमजानों में इसी तरीके से बल्कि उससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला से सेबत हासिल करने दुआ करने और इबादत करने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए यहाँ एक मसला है तरावी के ताल्लुक़ से बाज़ लोग ये फतवा दे रहे हैं कि आप मोबाइल को टीवी को वो या कंप्यूटर को इमाम बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या मतलब कहते ये हैं कि आप अगर आपका कोई अजीज कोई इमामत कर रहा है और ऑनलाइन जो है उसकी इमामत नकल हो रही है जी तो आप उस वक्त जो है आप उस इमामत के को फॉलो करते हुए इमाम को फॉलो करते हुए उसके पीछे आप अपने घर में इक, उसकी इक्तिदा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं नवजबिल्लाक ये फतवा किराम ने कहा है कि यह बिल्कुल ही गलत फतवा है इक्के दुक्के किसी एक शख्स ने कह दिया है तो ऐसे लोगों की बातों को लेना नहीं चाहिए इख्तलाफी मसाइल में माए किराम जो बड़े बड़े किराम हैं हक हक़माए किराम जो कुरान और हदीस का इलम रखते हैं और उनके पास दीन का पूरा तो सही तस्वर और कामिल तस्वुर मौजूद हो मौजूद होता है ऐसे उलमा के फतवों को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए आज अफसोस की बात यह है कि आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब कोई फ़तवा मिलता है तो उसको लेता है इसी को कहते हैं फतवा शॉपिंग करना मर्ज़ी का फतवा लेना और उस पर अमल कर लेना ये जायज़ नहीं है मेरे भाइयों यह हर किस जायज़ नहीं है इसलिए जो लोग इस किस्म का फतवा देते हैं कि आप मोबाइल पे किसी की नमाज की इक्तिदा कर सकते हैं मोबाइल की या किसी भी टीवी में या और किसी चीज की जब ऑनलाइन नमाज हो रही है तो आप दुनिया के किसी भी चप्पे से या अपने पड़ोस के घरों से आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं ये हर किस जो है शरान नहीं है यही का जमहूर उलमा का बल्कि सारे उलमा का यही फतवा है अब ये दुखे जो है उनका जो फतवा उनका एतम ही नहीं है क्योंकि इसमें सफ की इकतदा में जरूरी यह शर्त है कि सफ मुतसिल हो आप अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि आपका सफ अगली सफ से मिला हुआ हो मामूली कोई रास्ता है और आप साफ उसके रास्ते को छोड़कर खड़े हुए हैं जैसा कि हरमैन शरीफे में होता है तो कोई हरज नहीं लेकिन यहां घर ही अलग इमाम साहब घर में नहीं है उस बिल्डिंग में नहीं है किसी और जगह है किसी और फ्लैट में है वो किसी फ्लैट में है आप किसी फ्लैट में हैं एक जगह जमा नहीं है ये नमाज की इकतदा कैसे हो सकती है इमामत के बगैर आप गोया ना इन आलों को इन फोनों को और इन कंप्यूटर और इन चीज़ों को सामने रखकर गोया उनके पीछे आप इमामत कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं उनकी इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं किसी एक मुसलमान की इमामत में नमाज पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं एक परसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो शख्स जो है अकेले सफ़ के पीछे अकेले सफ़ के पीछे है लेकिन अकेले खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है नमाज से फारिग होने के बाद आपने देखा कि यह शख्स जो है अकेले नमाज पढ़ रहा है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोबारा नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई क्योंकि अकेले जो सफ़ के पीछे नमाज पढ़ता है उसकी सब नमाज नहीं होती है इस हदीस को शेख बिन ले ने सही करार दिया है और शेख मुबारक फूरी रहमतुल्लाह ले और शेख रहमतुल्लाह ले ने इस हदीस को हसन करार दिया है लिहाजा तन्हाई में या अलग से जमात करके दूर सबसे कट कर किसी की इकतदा करना किसी के पीछे मुख्ती बनकर नमाज पढ़ना ऐसी नमाज होती नहीं है क्योंकि इबादत जैसे भी हैं ये सब अल्लाह की तरफ से हैं तोकीफी हैं तोकीफी का मतलब यानी अल्लाह ने जैसे बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने जैसे बताया है उसी तरीके से इन नमाजों को अदा करना चाहिए हम अपने तौर पर अपनी मर्जी से नमाज की शक्ल सूरत को हम बदल नहीं सकते इमामत और इख्तिदा की शक्ल सूरत को बदल नहीं सकते कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है शराम बिहिल क्या इनके शर्क हैं ऐसे शर्क यानी इन्होंने जो बना लिया है शरीक अल्लाह ताली के साथ क्या इनके ऐसे कोई शर्क हैं जिन्होंने दीन में ऐसी चीज़ें बना लीं जिनको अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी यानी अल्लाह त इजाज़त के बग़ैर नबी करीम अलैहि वसल्लम के तरीक़े के बगैर अगर कोई नया तरीक़ा अपनाया जा रहा है तो ये तरीक़ा इस्लाम में मरदूद है हदीस में आता है नबी करीम वसल्लम फरमाते हैं कि हर काम जो हमारी सुन्नत के मुताबिक ना हो वो काम उस पर मरदूद है उस करने वाले पर मरदूद है वो रिजेक्टेड है अल्लाह तक कबूल नहीं करेगा तो लिहाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कभी यह नहीं थी और न सहाबा से तब से सलफ़ साल से अईम कलाम रिल मजमाइन से ऐसी चीज़ें आई हैं इसकी कोई मिसाल मिलती है लिहाजा अपने अपने घर में अपनी अपने इमाम को बनाकर वहाँ जो है आप मुख्त इकतदा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं आप ऑनलाइन जो है इकतदा करके आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते अब्न रहा फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख्स जब रबी करीम अलैहि वसल्लम की ये बात कि सफ़ के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसकी नमाज लगनी होगी तो जो आदमी न सफ़ के साथ है ना जमात के साथ है उसकी नमाज कैसे कबूल होगी अगर वो किसी और जमात की जो वहाँ पर मौजूद नहीं है उसकी इफ्त कर रहा हो और अगर हम इसको जायज़ करार देंगे तो नाऊज़ नाऊजबिल्ला इसका मतलब यह हुआ कि अपने घर में बैठ कर हम मस्जिद की इमा इफ्ता करें हम मस्जिद की कहाँ हैं इब्तः कर रहे हैं मस्जिद से कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन भेज दो तुम्हारी नमाज़ को और हम जो है यहाँ अपने घर में नमाज़ पढ़ लेंगे तो मस्जिद बनाने का फ़ायदा क्या है नाऊज़ नरोज़बिल्लाक जबकि अल्लाह ताली ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नमाज के बारे में जो बातें बताई गई हैं जमात तरावी के ताल्लुक से कि ऑनलाइन इमामत कर सकते हैं और ऑनलाइन इमाम की इक्तदा कर सकते हैं ये बिल्कुल ही गलत बात है किसी भी तरीके से जायज़ नहीं तरावी के ताल्लुक से और कुछ मसाइल तरावी की नमाज के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुरान को ख़त्म किया जाए बाज़ क्या समझते हैं कि पूरा कुरान उसमें ख़त्म होना चाहिए ये कोई शर्त नहीं है कुरान अगर पूरा पढ़ते हैं तो ठीक है अच्छी बात है नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं अगर आप आपको कुरान याद नहीं है छोटी छोटी सूरतें याद हैं लंबी नमाज पढ़ना चाहते हैं आप उन सूरतों को बार बार दोहरा सकते हैं मिसाल के तौर तो पर सूरह इखलास, सूरह इखलास, कुल अहद बार बार पढ़े चार बार पढ़े पांच बार पढ़े दस बार पढ़े एक एक रकात में और फिर उसके बाद रुकू को जाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब भी आए उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आप जितने अच्छे अंदाज़ से पढ़ते हैं और इब्न जबल जितने अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं वैसा सब पढ़ना हमें नहीं आता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हें क्या आता है कहा अल्हम्दुलिल्लाह अस्त अल्लाहु अकबर यही आता है कहा यही पढ़ो बस काफ़ी है हम हम भी उसी के अतर, अतराफ़ जो है घूमते हैं हम भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं तुम्हें जितना या पढ़ सकते हो तुम उतना पढ़ो कोई अरज नहीं और कुरान में अल्लाह तला फरमाता है कि जो है मा उमत मिन जो तुम्हें आसान है उसमें से पढ़ो तो लिहाजा सलफ सालिहीन के बारे में आता है कभी कभी एक आयत बार बार उसमें गौरव फिक्र करके उसी आयत को दोहराते थे दोहराते थे दोहराते थे उसके मानी में गौर करते थे पूरी रात एक ही आयत पढ़ के ख़त्म करते थे अपनी नमाज अल्लाह और तरावी के ताल्लुक से कि अगर कोई घर में छोटा बच्चा है लेकिन उसको कुरान करीम अच्छा याद है उसने ज़्यादा याद किया हुआ है तो ऐसे शख्स को इमाम बना कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं कोई हर्ज नहीं नबी करीम अलैहि वसल्लम के ज़माने में अमर इब्न सलमा एक सहाबी थे जिनकी उम्र छः या सात साल की उम्र थी लेकिन उस बस्ती में वो कुरान करीम को सबसे ज़्यादा याद करने वाले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमाम बनाया और उनके पीछे फ़र्ज नमाज लोग अदा करते थे हती कि वो बच्चा ऐसा था कि उसके शतर जो है उसका छुपता नहीं था बराबर कपड़ा उसका फटा हुआ था पीछे से एक औरत ने कहा भाई अरे इमाम साहब के शतर तो छुपाओ ना ये सही बुखारी में ये रिवायत आई है ये नहीं उतना छोटा बच्चा था उसको मालूम भी नहीं था उतना शुरू भी नहीं था तो अगर तरावी की नमाज़ के लिए आपके घरों में बच्चा है छोटा बच्चा और वो इमामत कर सकता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है और अगर इसी तरीके से कुरान को हाथ में रख कर कुरान देख कर तलाबी की नमाज़ पढ़ सकते हैं आयशा के बारे में आता है कि रात की नमाज़ें तहजद की नमाज लंबी लंबी पढ़ते थे और उनका गुलाम एक था और उसके ग़ुलाम को कुरान देख कर पढ़ने के लिए कहते थे और आयशा रजियाल्ला तहा उसकी इब्तदा में उसके पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं देख कर पढ़ सकते हैं कोई अरज नहीं है और जब क़ियाम आपका ख़त्म हो किरात खत्म हो तो आप रख दें कुरान और फिर जब क्याम दब दोबारा शुरू हो तो कुरान उठाकर देख कर पढ़ सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है एक बात याद रखें कि औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती है औरत आवरत औरतों की इमामत कर सकती है और इसी तरीके से तरावी की नमाज रात की नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ना आखिरी वक्त में पढ़ना रात के आखिरी वक्त में यह ज़्यादा अफजल है शुरू के वक्त में पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है जैसा कि उमर रजी अल्लाह तु ने फरमाया कि ये लोग जो पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर वक्त यह है कि ये आखिरी जिसमें सो रहे हैं आखिरी वक्त में उस वक्त में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया किस वक्त हमारी दुआ कबूल हो सकती है हमारी दुआ के कबूल होने का ज़्यादा इम्कान कब होता है तो रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जौफ़ल आखिर आखिरी रात का जो दरमियाना हिस्सा है वो हिस्सा बेहतरीन वक्त है उसमें दुआ कबूल होने का ज़्यादा इमकान है रात के आखिरी तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला दुनियावी आसमान में हर रात उतर कर आता है और कहता है है कोई बंदा जो अपनी हाजत मांगे मैं उसकी हाजत पूरी करूं है कोई बंदा जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसको माफ़ कर दूं तो लिहाजा रात के तीसरे हिस्से में नमाज़ पढ़ना ये पहले हिस्से में नमाज़ पढ़ने से इसमें कोई शक नहीं कि ज़्यादा अफजल और ज़्यादा सवाब का बाइस है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तोफ़ीदा फरमाए ربنا न अला ذكرك وشكرك व عبادتك का वृश्न इबादत दुनिया से इस मुसीबत को इस वबा को इस बला को अल्लाह तो पाक कर दे अल्लाह जल्द जल्द सारे लोगों को सारे इंसानों को अमन व अमान और आफियत अता फरमा इस बीमारी से नजात अता फरमा ऐ अल्लाह तो अपने फजलो करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ऐ अल्लाह तो अपने फजलो करम से इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें अता फरमा शब-ए-क़द्र में क़याम करने वाला हमें बना ऐ अल्लाह हमारी सारी इबादतों को कबूल फरमा हमारी दुआओं को कबूल फरमा ऐ अल्लाह हम सब को तेरा नेक बंदा बना दे ऐ अल्लाह हमारे सारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से रसत हो चुके हैं ऐ अल्लाह उन बुज़ुर्गों को अपने फजल व करम से तो उनको माफ़ कर दे उनकी ख़बरों को जन्नत का टुकड़ा बना दे हमारे बीमारों को शफ़ा और तंदुरुस्ता फ़रमा सिहत अता फ़रमा आमीन या अरहमल व्लहदल रबीन व सल् वसलम अला नबीना महमदिन वाली وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك